Hello everyone and welcome to Global Institute. Today we are going to talk about what are top 5 ethical hacking tools that you should know for penetration testing as well as for ethical hacking. So सबसे पहले बात करते हैं 5th नंबर के टूल के साथ, दैट इज हैशकैट. हैशकैट आप सभी ने यूज़ करा होगा, आप लोगों को पता है. जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, बट नहीं पता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप हैशेस को क्रैक कर सकते हैं. हैश क्या होता है? एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैशिंग का यूज़ किया जाता है. तो अगर आप पासवर्ड हैशेस को क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हैशकैट का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है एंड डेफिनेटली काली लिनक्स में ये प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाता है. सेकेंड टूल की बात करते हैं जो कि आपका 4th नंबर पर अवेलेबल है, तो उसका नाम है हाइड्रा. हाइड्रा अगेन एक बहुत पॉपुलर टूल है जो कि ब्रूट फोर्सिंग में आपको हेल्प करता है. डिक्शनरी अटैक आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, ब्रूट फोर्सिंग अटैक्स आप कर सकते हैं. और एक क्या ब्रूट फोर्स करता है? सर्विसेज के क्रेडेंशियल्स. फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क पे, टारगेट नेटवर्क पे आपके पास एक SSH पोर्ट ओपन है, या फिर FTP पोर्ट ओपन है, टेलनेट का पोर्ट ओपन है, या फिर अदर पोर्ट्स लाइक SMB. सो ये सारे पोर्ट्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत होती है, यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए होते हैं. वो यूज़र नेम पासवर्ड निकालने के लिए आप हाइड्रा का यूज़ कर सकते हैं. 3rd नंबर के टूल की तरफ चलते हैं जो कि हमारे लिस्ट में है, दैट इज़ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क. मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लॉयटेशन टूल है जो आपको वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई एज वेल एज एक्सप्लॉयट करने में हेल्प करता है. एंड कहीं ना कहीं ये टूल आप यूज़ करोगे ताकि आप मशीन के एक्सेस ले पाओ उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट करके. तो बहुत सारे प्री बिल्ट एक्सप्लॉयट्स पड़े होते हैं इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो. एंड ये जो टूल है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करा है जिसका नाम है Rapid7. सेकेंड टूल की तरफ चलते हैं, सो उसका नाम है Nmap. आप सभी ने सुना होगा Nmap एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि पोर्ट स्कैनिंग में, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में, होस्ट डिस्कवरी में आपको हेल्प करता है. इसके थ्रू आप अलग अलग तरीके के पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हो, उनके वर्जन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कहीं ना कहीं उन वर्जन्स की वल्नरेबिलिटीज़ भी आप निकाल सकते हैं. तो Nmap आप डेफिनेटली यूज़ करिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पोर्ट स्कैनिंग में हेल्प करेगा, जो कि एथिकल हैकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है. फाइनली अगर आप फर्स्ट टूल की बात करें, दैट इज़ Burpsuit. बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करता है. Burpsuit एक प्रॉक्सी टूल है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को ब्राउज़र से लेकर सर्वर के बीच में कहीं ना कहीं वो Burpsuit से होते हुए जाती है रिक्वेस्ट, एंड उस रिक्वेस्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से हेडर्स हैं, क्या उनमें कोई वल्नरेबिलिटी है नहीं है. जितनी भी वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ हैं जैसे कि SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डायरेक्टेड रिवर्सल, वो सारी OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ आप आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट कर सकते हैं Burpsuit की मदद से. तो ये हैं आपके टॉप 5 टूल्स जो एथिकल हैकिंग में आपको हेल्प करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये सीखने पड़ेंगे. सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.